नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं बेदी फ्रूट कंपनी जयपुर मोहाना मंडी में, और नरेंद्र भाई से जानेंगे आज प्याज का क्या बाजार देखने को मिला, कितनी आवक देखने को मिली है, क्या संभावना देखने को बन रही है, कहां कहां से प्याज आ रहा है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कैसे हो सर? बढ़िया है, तो आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो आज क्या बाजार खुला है प्याज का? सर प्याज का बाजार सेम कल जैसे बाजार है, लेकिन आज बिक्री बहुत स्लो है। बिक्री स्लो है, बहुत स्लो है। कारण कुछ समझ में आया? हाँ जी। किस कारण से बिक्री कम है सर आज? नहीं, जब दो दिन बीच में बाजार तेज, उस आषार तेजी के थे, माल कम था, तो ग्राहकों ने एडवांस ले रख लिए। अच्छा जी। और आज कुछ ठंड भी ज्यादा थी, सुबह हवा चल रही थी, ग्राहक भी कम आए आज मार्केट के अंदर, इससे आज बिक्री में स्लो है, लेकिन बाजार वही स्टेबल है, कल वाले भाव है। अब जैसे वो खुल गया बता रहे हैं, उसका समय आपको कल एक दो दिन में पता लग गया? नहीं, उससे थोड़ा सा लोगों में जैसे वो आई होगी ना कि भाई अब ये खुलने के बाद डाउन आएगा, तो अभी खरीदने से कोई डाउन क्या? आज मंडी के अंदर बाहर की जो 80 गाड़ियां है, 17-18 गाड़ी आई है। अच्छा जी। हाँ, जो बीच में, हाँ जी, आज एकदम से जैसे रस्ते में गाड़ियां चल रही थी ना, अच्छा जी, रस्ते फंसी हुई, तो रात को क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरकार ने घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल के बाद ही होगा जो भी नियम लागू होगा। अभी ड्राइवर भाइयों पर कोई नियम लागू नहीं है, जो नियम बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रात के ही वो रास्ते खुल गए और रात को गाड़ियां पहुंची है मंडी के अंदर, 17-18 गाड़ियां, और रास्ते में 3-4 और गाड़ियां भी मिलेगी। अच्छा जी। तो आज जो ग्राहक आए वो भी देख रहा है कि एकदम से मंडी में प्याज आवक ज्यादा हुई है, आवक भी ज्यादा हुई है आज देखा जाए तो। बिल्कुल। कोटा की भी ये लगा लो आप, 7-8 जगह है मंडी के अंदर लोकल माल, और नासिक की 17-18 गाड़ियां है, नासिक पूना गुजरात वाली। बिल्कुल। कुल मिला के कल से डबल आमदनी है, और ग्राहक एक बार डगमाता है, डगमाता था ही। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से बाजार जो ऊपर में गया और हड़ताल भी खुल गई है। हाँ, तो उनको यही लग रहा है ना कि प्याज कहीं ना कहीं डाउन आएगा, तो इस वजह से नहीं खरीद रहे थोड़े से। हाँ हाँ, थोड़ा आज ग्राहकों एक कदम पीछे है, लेकिन बाजार टूट नहीं टूटेंगे। अच्छा, तो बाजार पीछे भी तेज ही खुले हैं, मंदे नहीं खुले हैं। आज भी नासिक में बात हुई थी हमारी, नासिक में बाजार खुला 14 रुपए से लेके 21 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी, पीछे बाजार डाउन नहीं है। अच्छा, तो अभी 2-3 दिन में पता लग गया माहौल, कितनी आओगे बढ़ेगी, आओगे बढ़ती है, फिर तो बाजार का कुछ पता नहीं लगेगा। अभी तो बाजार 2-3 दिन टूटने की संभावना नहीं है। आज कह रहे हैं दिल्ली में भी लगभग 30 रुपए तक बिक गया है सर प्याज। नहीं, दिल्ली में आज 3-4 रुपए टाइट है। बिल्कुल, क्योंकि माल ही नहीं है वहाँ पे, बता रहे हैं। दिल्ली के अंदर 18-20 गाड़ियां ताजा है, 5-6 गाड़ी फड़ो पे है, 3-4 गाड़ी कल की बैलेंस है, कुल मिला के 30-32 गाड़ियां है, और बिक्री वहाँ पे 40-50 गाड़ी हो गई है। बिल्कुल। जब गाड़ियां 30-40-50 गाड़ी बिक्री है, तो ऑटोमेटिक 2-3 रुपए तेज बिकेंगे, तो इसका असर 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। हाँ, कहाँ जाएगा प्याज, नीचे जाएगा या फिर ऊपर? अभी जो रास्ते में गाड़ियां आ रही थी लोगों के, वो पड़ते में थी, आज से 4-5 दिन पहले निकले हुए गाड़ियां वो रेंज में, बाजार के रेंज में थी। अभी 2-3 दिन से पीछे बाजारों में टाइट हुए हैं, यहाँ भी टाइट हुआ है, अब मंडियों में आगे क्या भाव बिकती है, आगे आओगे कैसे होती है? आवक तो अब लगभग अलवर कोटा झालावाड़ की तो एंडिंग है, 5-7 दिन 10 ज्यादा ज्यादा मानो आप 10 दिन बाहर का ही प्याज आएगा, लोकल माल तो 10 दिन में आपको छोटो मोटो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। और ये बाहर की आओ के आएगी, अभी जो पीछे 5-6 दिन 3-4 दिन पहले निकली है गाड़ियाँ, वो उनके पड़ते थे बाजारों में, 19-20 के पड़ते थे, वो गाड़ियाँ रस्तों में आगे अटक गई, कल रात को रस्ते खुले तो मंडियों में आज 18-20 गाड़ियाँ हो गई। बिल्कुल। इससे भी माहौल देखो, आज बाजार खुला है, ऊपर में 80 बिके 26-27 रुपए, और नीचे बिके 23-24 रुपए किलो। बिल्कुल। हाँ जी, ये कल के भाव है भाई साहब, बाजार कोई टूटत नहीं है, लेकिन ग्राहकी नहीं है, ग्राहकी नहीं है, ग्राहकी एक कदम थोड़ा पीछे है, ग्राहक आ रहा है, पूछ रहा है और जा रहा है। यानी 2 दिनों में ग्राहकों ने प्याज बहुत ज्यादा खरीद ली, कि भाई हो सकता है आगे मान लो ज्यादा माल तो नहीं था मंडी के अंदर, 2 दिन से आवक भी कम थी, लेकिन ग्राहकों ने जिसने भी लिया तेजी, भाई परसों 24-25 बिका, कल 27-28 बिका, 2-3 भाई 2-3 से तेजी देखे, तो ग्राहक ने एडवांस जिसकी बिक्री 5 कट्टो की थी उसने 20-20 कट्टा ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 2 दिन का स्टॉक अपने हाथ में रख लिया, यही बात है। तो सर आपके हिसाब से बाजार खुलने के बाद नीचे में क्या बिकेगा, ऊपर में क्या बिकेगा? नहीं देखो, मार्केट जब पीछे के हिसाब से तो बाजार टूटेंगे नहीं। अच्छा जी। लेकिन 2-3 दिन में मंडियों में कितनी भाई आवक बढ़ती है, कितने क्या होती है, वैसे बाजार चलेगा स्टेबल। बिल्कुल। अब पीछे आज नासिक के अंदर भी बता रहे हैं कि थोड़ा आवक ज्यादा है, जो 500-600 नगारे थे आज हर मंडियों में 800-900 हजार नगे,
तो लगभग 15 से 20-25 का बाजार तो रहेगा सर। हाँ ये बाजार तो रहना चाहिए, 15 से 25 के बीच में बाजार चलता रहेगा। नासिक वाला मान लो 20 से 25 का रहेगा, ये 15 से 20 रुपए का। हाँ ये बाजार चलते रहेंगे बिल्कुल, अभी इतना नीचे आने की संभावना नहीं दिख रही बिल्कुल। जब बीच में आज से एक हफ्ते पहले बाजार काफी टूट गया था नासिक के अंदर भी, तो किसानों ने माल रोक दिया बिल्कुल, जिससे क्या है पीछे मंडियों में 250-300 नगाड़े चल हो गए थे, लेकिन बाजार फिर स्टेबल हुआ 18-20 के पहुंचे हैं, तो किसान फिर मंडियों के अंदर माल ला रहा है और बेच रहा है। और सर जैसे जैसे अलवर का थोड़ा कम होगा तो वहाँ के जो व्यापारी हैं जो बाहर के, वो फिर अपनी तरफ इधर करेंगे या फिर बड़ी मंडियों की तरफ जाएंगे? अलवर खैरतल के अंदर ओनली 10% बाहर का व्यापारी है, 90% तो अपने जगह पे जा चुके हैं। अच्छा, क्योंकि बाहर के सूखे माल आने लगे गुजरात में और नासिक में बिल्कुल, वहाँ के सूखे माल आने लगे तो वहीं जाके हो गए सेट। अब यहाँ पे 10% है और ये लोकल माल अपने लोकल एरियो में इतना ही माल आ रहा है, 15-20 हज़ार की खपत है बिल्कुल, 15-20 हज़ार का तैयार है वो अपने लोकल मंडियों में खपत हो जा रही है। चलो जी सर, आपका मोबाइल नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8788-7652, नाम नरेंद्र वेदी फ्रूट एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी धन्यवाद। ओके सर, आपका भी।